नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे लाइफ टेक्नो का ब्लॉग में। दोस्तों जैसा कि आज से दो ब्लॉग पहले आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि नहीं देखते हैं, उसमें ऐसा हुआ था हम लोग ऋषिकेश और मसूरी का प्लान बनाए थे लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि ट्रेन छूट गया था हम लोग समय पहुंचने के बाद भी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि टाइम देख रहे हैं 9:05 हो रहा है और 10:25 में हम लोग का ट्रेन है, तो ऋषिकेश मसूरी अभी पहुंच जाएंगे पक्का, आज तो फिक्स है। कहाँ जा रहे मालूम है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका बर्थडे है दोस्तों, बर्थडे में मजा करेंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ जल्दी, ट्रेन पकड़ना, मात्र 1 घंटा 15 मिनट हम लोग के पास ट्रेन पकड़ने के लिए। चलिए बाहर दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा ये जो सामान पैक करने लगा इसके पास कितना रुपया है, तो जब मन होता तब चले जाए, जिसका बर्थडे है उसको ना टेंशन होगा पैसा का, बर्थडे बॉय को दिखाइए। दोस्तों है कि नहीं है, लैपटॉप ले लिया, बैग में MSI का वही बेचेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर क्योंकि हैप्पी बर्थडे। ये दूध है कहाँ हो दोस्तों? रैंडम प्लान में यही दिक्कत होता है कि अब मानिए 1 किलो दूध है, एक एक गिलास पी लेते, गिलास में बोतले में मांग रहा है। देख दोस्तों, देख रहे दूध का क्वांटिटी, देखे कितना ज्यादा, अब पूरा खत्म करके जाना पड़ेगा बाबू, ज्यादा दूध देखो पचाने का है क्षमता, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। बिहार का ये देखिए, दारू वाला गिलास में दूध ले रहा है। चीयर्स मारो पहले, चीयर्स, हैप्पी बर्थडे बाबा। झूम करो, इतना पी लिया दोस्तों, अब वहां पर नहीं भी खाएंगे चलेगा। जय भोलेनाथ, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों रूम से निकल गए हैं, 1 घंटा हम लोग के पास वहाँ पहुँचने के लिए, समझे, बाहर दौड़ना नहीं है, दौड़ने में हालत खराब हो जाता। चलिए आराम से जल्दी से पकड़ते हैं, क्या लगता है दोस्तों पकड़ पाएंगे कि नहीं? एकदम ये हैप्पी बर्थडे यू। क्या बात, पैसा वैसे मंगवाए ना, जल्दी से फोन करिए सबको भाई, 1-2 लाख भेजो। दोस्तों 5 मिनट के अंदर मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं और हम लोग का प्लान मसूरी जाने का लगभग आज से 1 महीना पहले ये बनाए हुए, आज ही के दिन हम लोग कल भी ट्राई किए, कल तो ट्रेन छूट गया, आज पकड़ना है दोस्तों ऋषिकेश जाना। हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों दौड़ दौड़ के मेट्रो पकड़ लिया, आज लगता भगवान चाह रहे था, आज लगता पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों ऋषिकेश से, लेकिन मजा बहुत आता, यू आर राफ्टिंग, ट्रेकिंग करना है पहाड़ों पे, बहुत बहुत मजा आप है ना, दिक्कत क्या हम लोग? वही तो आप ही है जमते। अभी मेट्रो में बैठे बैठे सेम कल वाला याद आ रहा है, क्या कल वाला बात बताते हैं। कल क्या हुआ, जब हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे तो इनका फोन खराब हो गया, हाँ आईफोन, मतलब कि तो प्लान कैंसिल करके हम लोग घर चले गए, घर पे पहुंचे फोन चलने लगा, जादू। बाबा हे हो ऋषिकेश, जब बाबा बाबा ऋषिकेश जाइएगा, यही ट्रेन है। तो दौड़ दौड़ के पक्के सब सही हो रहा है, अंकल ऋषिकेश जा रहे हैं क्या ना? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों आज लगता है ट्रेन पकड़ा जाएगा, क्या विपरीत मेट्रो में, खासकर एजुकेटेड लोग रहता इसीलिए तो सब बोलेगा। नहीं, 4-5 ग्रुप रहता है ना, तब मजा आ जाता है, प्लेस पे एक तरह से डिस्टर्ब करना हम लोग, इतना ज्ञान देगा दोस्तों, इतना ज्ञान देगा। हम सोच रहे थे बोलते हैं सब मेट्रो में हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, लोग साला इतना डरा देता है, इतना डरा देता है, डराने वाला यहाँ बातें में दोस्तों। ओल्ड दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं और यहां का सुरंग जो है रेलवे स्टेशन तक जाने का, मतलब इतना लंबा लगता है डायरेक्ट मसूरी में उतारे। दोस्तों महादेव का कृपा है, समय पे पहुंच गए, यही है ट्रेन, बस जाके अब सीट खोजना है, समझ रहे ना, टिकट विकट का तो देखिए इसमें मेरा गलती नहीं, टिकट रहता ही नहीं है इंडियन रेल में, मैं तो काटेंगे कैसे, क्या बात, हम लोग कोशिश किए काटने का लेकिन है ही नहीं। चलिए अब इधर जनरल खोजते हैं, घुसते हैं। अभी जनरल बोगी के बाथरूम में है और इसमें बीड़ी पिया है दोस्तों, थोक में बीड़ी पिया दोस्तों, जीवन में पहली बार बढ़िया से सीट मिल गया दोस्तों, और टिकट भी ले लिया, आप लोग ये मत सोचिएगा टिकट नहीं ली, इसी में जिसे फ्लैश जलाए हुए ताकि चिकन चुनमुन लगे, समझ रहे हैं ना, बढ़िया से बैठ भी गए, क्या बात, पहली बार हर हर महादेव। आप यहाँ डायरेक्ट दोस्तों हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाना है, लहरिया लुटना है, क्या बात, बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो बिहार जाने वाला सब ट्रेन में वही हालत रहता है जनरलो बोगी का, लेकिन उत्तराखंड जा रहा है, उत्तराखंड में सब अमीर आदमी सब जाता, समझे, इसीलिए सब स्लीपर एसी में टिकट कटाया होगा। बिहार वाला बात तो है नहीं कि सब जनरलेस चल जाएंगे, छोड़ दिया, एकदम आराम से बैठ के जा रहे हैं दोस्तों, दिक्कत क्या है, जूता को अपना जुगाड़ डाल के रख दिए ऊपर में, नया वाला है वो वाला मत समझिएगा, पुराना वाला, नया वाला जूता लेके जा रहे हैं। चलिए दोस्तों 8 घंटा का सफर है, उतरना कहाँ ये फिक्स नहीं है, हरिद्वार उतर
उतर सकते हैं, ऋषिकेश उतर सकते हैं, ऋषिकेश नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, हरिद्वार के बाद देहरादून। हाँ, हरिद्वार उतर सकते हैं, देहरादून उतर सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं, जहाँ मन करेगा वहीं उतर जाएंगे। मसूरी भी चले जाएंगे, मसूरी भी चले जाएंगे। रूम तो बुक होगा मसूरी वाला, मसूरी में रूम बुक कर लिए थे हम लोग। चलिए अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। बहुत ज्यादा फेमस है हम। सही बोल रहे, मजाक नहीं कर रहे, आप लोग को मजाक लगेगा। इसीलिए जनरल में चल रहे। अरे आप देखिए, ये एकदम दिल पे दुखाने वाला बात क्या है बोलते, लेकिन आनंद वाली बात। देख रहे दोस्तों, धंधा भी बढ़ा रहे अपना, बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। जनरल में जाए, एसी में जाए, हेलीकॉप्टर से जाए, ये सलफले से नहीं चल रहा बाबू। जलवा है अपना। हम आपको बताते हैं ना दोस्तों, मेरा जीवन है जेठालाल, लेकिन कभी कभी बबीता जी वाला सुख मिल जाता, तो आज वही हुआ। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। पहले मेट्रो टाइम पे मिल गया, सब मेट्रो टाइम पे एकदम पहुंचे स्टेशन पे मिल गया। मेट्रो वहीं पे, मतलब खड़ा मेट्रो, भैया घुसिए ना, आप ही के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद टिकट मिल गया दोस्तों, टिकट हम लेके जा रहे, विश्वास हो रहा है? चार स्टेट घूमे हैं, पहली बार टिकट लेके जा रहे हैं। बड़ा हरामी हो। और फिर उसके बाद ई ट्रेन पिछला 10 दिन से लेट चल रहा था, लेकिन आज टाइम परफेक्ट टाइम पे, क्या सीट भी मिल गया सबसे बड़ा बात। देख रहे हैं दोस्तों, इसी को ना बोलते हैं महादेव, बुलाते हैं तो ऐसे बुला लेते हैं, आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं होने दे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताएं, मेरा दो दो मिनट में दोस्त बनता है, तो दो और दोस्त दो दो मिनट में बन गया। नाम बताइए। यूश। यस। इसका एग्जाम है 20 तारीख से, उसका एक महीना बाद। दोनों बिन बताए घर से निकल गया हरिद्वार। चलिए घूमे, सामान देखिएगा दोस्तों, मशीन देखिए, हम दूध को लेके आया गाना बजाना वाला, हम लोग भी लेके आए या एक्सटेंशन दोस्तों, मोबाइल चार्ज करने में दिक्कत ना हो। मोबाइल में दिक्कत होगा तब आप लोग ब्लॉग नहीं देख पाइएगा। आप लोग से कितना प्रेम कर रहे हैं, मारिए इसी बात पे सब्सक्राइब दोस्तों, और फेसबुक पे फॉलो दोस्तों, दोनों दोनों मार दीजिए। गिर गया साउंड, गिर गया दोस्तों, रुके अब बजाते हैं, मजा लेते हैं। जन्मदिन आज ही जन्मा था 20 साल पहले, क्या बाबू? तब अभिषेक जी जन्म के कैसे महसूस हो रहा? 6 दिन बाद छठियारी का भोज करिएगा ना। लेकिन तुरंत जन्मा इतना बड़ा कैसे हो गया एक मिनट के अंदर ही? बात तो सही है। क्या बात, कल दोस्तों चलेगा रोला ऋषिकेश में, सूखा सूखा हैप्पी बर्थडे। अरे क्या बताए, केक के लिए उतरते हो 2 सेकंड का सब जगह स्टॉपेज था। क्या अब पीजिएगा कुछ तो बताइए, पीजिएगा कुछ है बैग में? ग्लास नहीं है लेकिन ऊपर से पीना पड़ेगा। ऐसी चीज पीनी तो नहीं सकती है। अब वही पानी है, आप क्या समझे? क्या इसे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ, हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसको घुमाने लेके जा रहे, सॉरी ये हम लोग को घुमाने लेके जा रहा, हम लोग थोड़े जा रहे। पार्टी देगा ना क्या दोस्त? क्या क्या बेचना, इधर वाला किडनी, इधर वाला दिल? गलत कोई बात नहीं दोस्त, इतनी तो जेब में जान होगी। हाँ ये तो है, देख रहे लड़का देखे लगता है पैसा वाला लड़का, जान है जेब में। एप्पल चलाता, अब क्या चाहिए जीवन में, और कुछ चाहिए? क्या मतलब सब अमीर है, कोई बात नहीं, बेच देंगे इसको ज्यादा और क्या। लैट्रिन के पास में हमने खुद बच गया, खाली लेकिन जरा सी बैठने नहीं दिया। गेट निकल तो कोई ना आने वाले, तुम्हारे भी सीट मिलेगा तो वहाँ पर देखो। भाई आप दोनों के मन में क्या है, लड़ने का मन है तो बाहर जाके एक बार लड़ के आइए तब यहाँ पे। फालतू का 2 बजे रात में ड्रामा कर रहे हैं महाराज, बोल रहे आराम से बैठिए, सीट मिल गया है ना सबको। कोई बात ठीक है, अब बात खत्म करिए। ए भाई 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 क्या ले साला, क्या साला मोबाइल नहीं गिरा है कोको। दोस्तों अभी एकदम भयंकर से लड़ाई मार चल रहा था नीचे में, हम भी पंचायती करने लगे कि नहीं शांत हो जाइए भैया, इस सबसे कुछ रास्ता नहीं निकलता। इतने में साला को ना जोर से पास दिया। साला इधर बात अलग चल रहा है, अलग बम बड़ा कर रहा है इधर। ये लोग न्यूक्लियर बम लेके आया, जगह देखता नहीं मार देता। हमको नाक के जगह कान में भी मास्क लगाना पड़ रहा है, समझ रहे दोस्तों? हम मजाक करने जा रहे हैं ऋषिकेश, मजाक कैसे कर रहे वो बता रहे। देखिए इसके मोटा, पहले ई वाला बात बताते, ई मोटा होने का एक फायदा है, गुलगुल करता, तकिया जैसा फीलिंग आता। दूसरा चिमनी से सोए सोए हवा मार रहा है, साला चिमनी है ही, हवा आता है इससे।
इसके नाक से हवा, मतलब समझ रहे, ट्रेन के खिड़की से ज्यादा हवा। ये देखिए मेरा बाल सब उड़ रहा होगा इसके नाक के हवा से। लाल बटन को दबाना ना भूलिए।